नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज यू एंड आई। और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। बीएसएफ के 41 जवानों ने समाज की जिम्मेदारी निभाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। न सिर्फ सीमा की रक्षा करना बल्कि समाज के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी है। रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी वापस ला सकती है। इस बार रक्त संकट से बचाने के लिए बीएसएफ के जवान आगे आए। नदिया में भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा के कृष्णा नगर मुख्यालय के DIG संजय कुमार के नेतृत्व में लगभग 61 महिला बीएसएफ जवानों और पुरुष बीएसएफ जवानों ने रविवार को शांतिपुर चकफेरा गोस्वामी बाड़ी के नाथ मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद शहर के बीचों बीच एक रंगारंग जुलूस निकाला गया। शांतिपुर शहर के बीचों बीच अचानक बड़ी संख्या में बीएसएफ जवानों को देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। शांतिपुर की स्थापित संस्था पूर्णिमा मिलनी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था और इस रक्तदान शिविर में DIG कृष्णा नगर मुख्यालय संजय कुमार को आमंत्रित किया गया था। उनसे इस महारक्तदान में रक्तदान करने का अनुरोध किया गया था। करीब 41 पुरुष और महिला बीएसएफ जवानों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। हालांकि सीमा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसएफ जवानों को दिन रात 24 घंटे पहरा देना पड़ता है। मातृभूमि की रक्षा करना बीएसएफ जवानों का ही कर्तव्य है। मुख्यालय संजय कुमार ने कहा कि यह समाज की भी जिम्मेदारी है। वहीं शांतिपुर के निवासियों ने बीएसएफ की इस पहल की काफी सराहना की, क्योंकि इस तरह की तस्वीर अक्सर देखने को नहीं मिलती। सर, आज बीएसएफ जवानों ने यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया, क्या बताएंगे इसके पर्पस क्या है और क्या वार्ता देना चाहते हैं? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा से बॉर्डर पॉपुलेशन के साथ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का टास्क है कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के अंदर में बॉर्डर पॉपुलेशन को अपने साथ लेकर चले। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक शांतिपुर का जो कमिटी है, प्रणय मिलन समिति, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ब्लड कैंप। तो हमारे पास आए थे कि सर, आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे यहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम में बीएसएफ के सम्मिलित होने से लोगों में ये संदेश जाता है कि यूनिफॉर्म फोर्सेस उनके मदद के लिए, उनके सेवा के लिए है और उनसे डरने का कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर कितने पोस्ट पे तकरीबन हमारे पास 5 यूनिट है जो नदिया बॉर्डर के, नदिया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डरों पे लगी हुई है। सर, एक बात पूछूंगा, नारी सुरक्षा के बारे में बीएसएफ का क्या वार्ता है, क्या बोलना चाहते हैं DIG होके? देखिए, नारी सशक्तिकरण के बारे में जो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इंडिया के अंदर में लोगों को इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। इस विषय में हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो ये है कि हम हर जगह अपनी महिलाओं को सामने रखते हैं। हमारी बीएसएफ की जो महिलाएं हैं, कार्मिक हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे ड्यूटी करती हैं, जिसमें नाइट ड्यूटी शामिल है। और नाइट ड्यूटी के अंदर भी वो भी स्मगलर्स एंटी नेचुरल एलिमेंट को वैसे ही फेस करती है जैसे हमारा एक मेल जवान फेस करता है। रात के समय उसके लिए भी खतरा उतना ही है। यहाँ पर इन महिलाओं को लाकर जो NCC की बच्चियाँ थीं, जिनके दिमाग में अपना फ्यूचर यूनिफॉर्म में फोर्सेस में आने का है, उनके लिए अभी हम एक कैंपिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसके अंदर में उनको कैरियर काउंसलिंग करेंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद किस तरह से वो फोर्सेज में अपना करियर बना सकती हैं। इन स्पेसिफिक BSF एंड ओवरऑल ऑल इंडिया के अंदर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा में CAPF, उसके अंदर में कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, बॉर्डर के ऊपर में हमारी जो बॉर्डर डिप्लॉयड यूनिट है, बॉर्डर के कोई भी यूथ जो BSF या सिक्योरिटी फोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसके लिए भी हम अपने BOP लेवल के ऊपर पे कोचिंग देते हैं और वो कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सो दैट उन बच्चों को पता लग सके और वो अपनी खामियों को दूर करके अपने एग्ज़ाम में अपेयर हों, जिससे कि एग्ज़ाम में उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाए। आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर, मैं सेक्टर हेडक्वार्टर कृष्णानगर का DIG हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी। जी, ठीक, थैंक यू।
जैसा कि आपने ये खबर देखी, इसी तरह की तमाम अपडेट और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ यूएनआई के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ यूएनआई। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एक महीने के साथ एक महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।